अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास ये होमेज मैट्रिक्स 1000 मॉडल 12 वोल्ट में यूपी से आया है, जो कि ना फुल बैटरी को भी लो कर देता है। ये चेक करवाते हैं, ये देखें, ये मैंने लोड डाला है इसमें, लोड डाल के और ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और इससे इसके ऊपर मैंने 100 वाट का बल्ब चलाया है और ये 11.7 11.6 तकरीबन ये पूरे 11 में से पहले ही ये बंद हो गया। ये मॉडल है होमेज मैट्रिक्स, इसे हम ओपन किया है, इसका कवर हमने ओपन किया है और इससे हम वेरीफाई करते हैं कि क्या इसका बैकअप कम क्यों है, क्या वजह है बैकअप इसका क्यों कम हो रहा है। बैटरी को कम से कम भी इसे 10.5 वोल्टेज पे जाके बंद होना चाहिए और इसे हम अब ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या पार्ट्स इसका ख़राब हुआ है जो कि बैकअप कम दे रहा है। जी, हम ओपन करते हैं इसे। बैटरी 12 वोल्ट पे, ठीक है जी। और ये हमने इन्वर्टर को ऑन किया, ऑन करने के बाद इस पे हम अब लोड डालते हैं, लोड डाल रहे हैं, ये लोड आ गया और ये आ गया 11.6 11.5 पे ये बंद कर रहा है, तकरीबन 11.5 पे ये ऑफ करेगा। 100 वाट का बल्ब चलाया हमने, 11.5 लोड चल रहा है, ये इन्वर्टर चल रहा है और ये बज़र की आवाज़ आ रही होगी आपको, हल्की हल्की बज़र की आवाज़ आ रही है। इन्वर्टर जो है ये 11.5 पे बंद हो रहा है और इसकी जो है कि अभी प्रॉब्लम है इसके बोर्ड में, पीसीबी में, जो कि हम इसे ओपन कर लेते हैं, लोड को हटा लेते हैं और यूपीएस को ऑफ करते हैं। ऑफ करके बैटरी से भी इसे ओपन कर लेते हैं और इसे हम चेक करते हैं कि आया का हमारा किस हिस्से में फॉल्ट है। ज़्यादातर ये जो है ना एसएमडी लगी हुई है, ये वैल्यू डेड हो जाती है, हम चेक करते हैं कि आया के ये डेड हुई है और इसके साथ आईसी भी लगा होता है, इनमें से क्या चीज़ ख़राब है, ये एसएमडी डेड हुई है या आईसी ख़राब हुआ है, ये चेक करते हैं जी। हम ये मुजामतें चेक करते हैं, जानते जो है ये अभी तक बता नहीं रही, इसे हम रीसोल्ड करते हैं फिर चेक करते हैं कि आया कि ये सही तरीके काम करती है या नहीं। ये अब इसे सोल्ड किया है, अब इसे चेक करते हैं कि आया कि ये वैल्यू अपनी सही बता रही है या नहीं। ये 450 के बता रही है लेकिन 499 के होनी चाहिए, 452 522 20 खराब है ये। ये मुजामते जो है ना ये ख़राब हैं, ये हम रिप्लेस करते हैं। 1 2 3 4 और 4 8 एसएमडी लगी हुई हैं, जो कि यहाँ पे हम 2 1 मैग भी लगा सकते हैं एक पे। और जैसा कि ये देखिए ना, ये 500 के, ये 500 के 1000 के बन गया और इसकी जगह हम 1 1 मैग लगाएंगे, ये 500 के और 500 के 1000 बन गया और 1000 के बदले 1 1 मैग लगेगी, 2 1 मैग यहाँ लगेगी, 2 1 मैग यहाँ लगेगी, जो कि इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी। इसमें हम बड़ी एसएमडी लगाते हैं 2 1 मैग या फिर दूसरी क्वार्टर में लगाते हैं 1 मैग। ये एक एक मुजामत हम सेंटर से हम ओपन कर लेंगे इसको,
दो इसकी ओपन कर लेंगे, दो इसकी ओपन कर लेंगे। और ये वन मैग मुजामत लगाएंगे हम। जी अच्छा काम करती हैं बड़े वाली, ज़्यादातर वो नमी की वजूहत की वजह से ये ख़राब हो जाती है। दूसरे वाली ये काफ़ी अरसा निकाल जाती हैं। ये वन मैग लगाते हैं इसमें ये काफ़ी अरसा इस पर। हम वेट करते हैं, आप भी वेट करें और जैसे ये बजर की आवाज़ देगा फिर आपको कंटिन्यू करते हैं जी। 11.4 पे आ गई बैटरी
और वेट करते हैं कितनी देर चलता है ये। 11.3 पे आ गया जी। ऐसा ऐसा बैटरी रिलीज हो रही है और बैकअप भी चेक होएगा जी। 11.2 पे आ गया अब। जैसे जैसे बैटरी रिलीज होती है चेक करते रहते हैं जी। ये 10.1 वोल्टेज पे बजर देनी शुरू कर दी है इसे। 10.1 ये बजर की बात आ रही है आपको सर। बैटरी आ गई 10.1 वोल्टेज पे। अब ये बिल्कुल UPS ओके हो गया है, बिल्कुल जेन्युइन हालत में हो गया। 21 ओके।